हाउ मच ओल्ड हिंदुइज्म इज। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कुछ किताबों में शायद मिले या फिर शायद ना भी। चूंकि अंतरिक्ष को देखा तो कईयों ने है, मगर अंतरिक्ष को नाप आज तक कोई नहीं सका। इसलिए इन सब बातों का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, मगर पुख्ता सबूत ना होने के कारण इन बातों को आज तक कोई साबित भी नहीं कर सका। सनातन, जिसका अर्थ होता है अजर, मतलब कि वो धर्म जो कम तो हो सकता है मगर लुप्त नहीं। इस धर्म के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बहुत से लोग जानते तो हैं मगर मानते नहीं। आज इस थर्ड आई मेडिटेशन को कर बड़े बड़े योग आर्टिस्ट जब अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की बात करते हैं, तो मैं आप सबको बता दूं कि हमारे सभी हिंदू देवी देवता हजारों साल पहले ही यह विद्या जानते थे, जिसको साइंस ने भी आज प्रूव किया है। हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिसका पहला नाम है रेस्ट इन पीस। ये शब्द जो आज के मॉडर्न दौर में लोगों की जुबान पर बहुत प्रचलित है, जब कोई भी शख्स संसार से विदा लेता है तो हर कोई उसके नाम के आगे रेस्ट इन पीस यानी आरआईपी लिखता है, जो कि हमारे खातिर बिल्कुल गलत है। इसका मुख्य कारण यह तो नहीं कि यह शब्द गलत है, बल्कि इसका कारण हम सबका जागरूक ना होना है। दरअसल हर धर्म में एक अलग रीत, एक मुख्तलिफ रिवाज होता है। क्रिश्चियनिटी, यहूदी और इस्लाम में मौत के बाद शरीर को जमीन में दफन कर दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कहा गया है हर शख्स जमीन से पैदा हुआ है और जमीन में ही मिलेगा। इसलिए बाइबल और कुरान की माने तो इंसानी शरीर को जमीन में दफन कर रेस्ट इन पीस कहा जाता है, जिसे उर्दू में कलमा भी कहते हैं। क्रिश्चियनिटी, यहूदी और इस्लाम में रेस्ट इन पीस कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस मानते हैं कि कयामत के रोज ये सभी मुर्दे एक मर्तबा फिर जिंदा हो जाएंगे। इसी वजह से इनमें रेस्ट इन पीस कहा जाता है, मतलब कि शांति से आराम करो कयामत के दिन तलक। अगर रेस्ट इन पीस इन धर्मों के खातिर सही है, तो आखिर हिंदुओं के खातिर क्यों नहीं? दरअसल श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि अंतरात्मा सदैव अजर है, अमर है। आत्मा एक शरीर को त्याग दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। आत्मा ईश्वर है और शरीर नश्वर। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इंसानी शरीर पांच तत्वों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और शरीर जलाना, जिसे हिंदू परंपरा के मुताबिक दाह संस्कार कहा जाता है, इंसानी शरीर मौत के बाद इन्हीं तत्वों में विलीन होता है और हमारी अंतरात्मा को मोक्ष मिल जाता है। जब हिंदू धर्म में पूरी तरह शरीर का अस्तित्व मिटा दिया जाए, तो फिर रेस्ट इन पीस किस लिए? इसी के कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात ओम शांति ओम कह मौन रखा जाता है, साथ ही परमपिता परमेश्वर से आराधना की जाती है कि उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हम अपरिचित हैं, और यह हम सभी का कर्तव्य है कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले उसका अर्थ, उसके मायने हम जान लें। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य मेरे सभी भाइयों को सिर्फ जागरूक करना था कि रेस्ट इन पीस शब्द हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार बिल्कुल गलत है। इसलिए अगर कोई इंसान इस संसार को छोड़ विदा लेता है, तो उस पे रेस्ट इन पीस लिखने के बजाय हमें ओम शांति ओम लिखना चाहिए। धन्यवाद।